पिछले दिनों ट्विटर ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी सहित और हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो अकाउंट था उसको ब्लॉक करने का काम किया है। ट्विटर ये समझ नहीं रहा है कि कांग्रेस को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, हमारे नेता राहुल गांधी को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये जो शाह और तानाशाह के आदेशों पर इस देश के 130 करोड़ लोगों का जो आपने अपमान किया है, भारत के लोकतंत्र को जो आपने चुनौती दी है, जिन मूल्यों को लेकर भारत का निर्माण हुआ है उसको आपने चुनौती दी है, और इस देश के अंदर जो जिस तरीके से शाह और तानाशाह इस समय इस देश के जिसको कहते हैं क्रूरतम शासन के दौर से ये मुल्क गुजर रहा है, जब पार्लियामेंट के अंदर जो पवित्र है श्री मोदी जी भूल गए, घुसने के पहले सर नवार गए थे, वहां सीढ़ियों पर सर नवार रहे थे। किस लिए? इसीलिए कि सांसद पीटे जाएंगे, इसीलिए कि राजधानी के अंदर बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होगा और आप मौन रहेंगे। लोक भारतीय लोकतंत्र में इससे बड़ा धब्बा नहीं हो सकता जो कि मौजूदा सरकार आज इस देश के लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, एक एक करके जिस तरह से सारी संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के विरोध में जिस रास्ते से ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आई है लोकतांत्रिक तरीके से, उस रास्ते को ही ये बंद कर देना चाहते हैं। इनके एक एक कदम इस देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और ट्विटर को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने अपनी साख को गिराया है दुनिया में, आपने अपने साख को गिराया है, और आपको ये इजाजत कोई मुल्क नहीं दे सकता कि उस मुल्क के की जो मूलभूत जो आधार है, जो लोकतंत्र है, जो गरीबों, दलितों और शोषित पीड़ितों की जो आवाज है उसको रोकने का काम आपने किया है, ये आपने अपराध किया है, और दुनिया से और भारत से आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि आपने जो इस देश के शोषित पीड़ित गरीब लोगों की आवाज को जो ब्लॉक करने का काम किया है, वह आपने खाली सिर्फ राहुल गांधी जी या कुछ लोगों के ट्विटर अकाउंट को नहीं ब्लॉक किया है, बल्कि आपने इस देश के शोषित पीड़ित गरीब लोगों की